हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। आपके साथ आज हम बनाएंगे क्रिस्पी स्वीट कॉर्न। इसे आप चाय के साथ, नाश्ते में या फिर कोई पार्टी में स्टार्टर के रूप में सर्व कर सकते हैं, जो कि एकदम टेस्टी और कुरकुरे होते हैं। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक अमेरिकन भुट्टा स्वीट कॉर्न ले लिया है। इसके पहले हम दाने निकाल लेंगे। इसे आप दो पार्ट में डिवाइड करें। इस तरीके से बहुत ही जल्दी और आसानी से हम इसके दाने निकाल सकते हैं। भुट्टे के हमने दाने निकाल लिए हैं। अब मैंने गैस पर एक बर्तन रखा है, इसमें हमने लिया है पानी। पानी आपको उतना ही लेना है जितने में हमारे स्वीट कॉर्न डूब जाए अच्छे से। यहाँ पर आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, मैं इसमें नमक डालना भूल गई हूँ। पानी में हम एक उबाल आने देंगे। पानी हमारा अच्छे से उबल गया है, इसमें हम स्वीट कॉर्न डालेंगे। स्वीट कॉर्न को हम 3 से 4 मिनट के लिए एक उबाल आने तक अच्छे से पका लेंगे। आप चाहे तो इसे बीच बीच में थोड़ा हिला भी सकते हैं। देखिए, हमारे स्वीट कॉर्न अच्छे से उबल गए हैं। इस तरीके से थोड़े थोड़े से फूल भी गए हैं। पहले छोटे थे, अब थोड़े से फूल कर बड़े हो गए हैं। गैस को हम बंद कर देंगे। मैंने यहाँ पर एक छन्नी ली है, इसमें हम स्वीट कॉर्न का सारा पानी अलग निकाल देंगे। स्वीट कॉर्न को डालेंगे हम एक बाउल में। मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून चावल का आटा और 2 टेबल स्पून मैदा। आप चावल के आटे की जगह पर कॉर्नफ्लोर का यूज़ भी कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न में हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। सभी कॉर्न पर हमें अच्छे से चावल के आटे और मैदे की कोडिंग करनी है। देखिए, इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। यदि आपने कॉर्न को उबालते समय नमक डाला है तो ना डालें, मैं डालना भूल गई थी, मैंने आपको बताया था, इसलिए नमक मैं अब डाल रही हूँ। देखिए, हमने चावल के आटे और मैदे की कोडिंग कॉर्न पर की है, लेकिन जो हमारे कॉर्न है अभी थोड़े सूखे सूखे से लग रहे हैं, तो इस पर हम थोड़ा सा पानी छिटेंगे और फिर से इसमें हम मैदा और चावल का आटा भुरकेंगे। देखिए, अच्छे से कॉर्न हमारे कोड हो चुके हैं। अब आप देख रहे हैं बाउल में कुछ थोड़ा सा जो मैदा वगैरह है नीचे रह जाता है। आप चाहे तो इसे आप छन्नी से छान सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से आप बाउल को थोड़ा सा हिलाएंगे तो जो मैदा और चावल का आटा सूखा सा रह गया है वो नीचे अलग रह जाएगा। आप ऊपर ऊपर के कॉर्न इसमें अलग निकाल लें प्लेट पर। कॉर्न को तलने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी। कढ़ाई में तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे हमारे कोड किए हुए स्वीट कॉर्न। डालते समय आप तेल को पहले एक बार अच्छे से गर्म कर लें। कॉर्न डालने के बाद आप गैस की फ्लेम लो टू मीडियम पर हम कॉर्न को अच्छे से कुरकुरे होने तक फ्राई करेंगे। एकदम आप तेज आंच पर तलेंगे इन्हें तो अच्छे से अंदर तक कुरकुरे नहीं हो पाएंगे। कॉर्न डालते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। आप इस तरीके से एक थाली या प्लेट लीजिए, कढ़ाई पर रख लीजिए, क्योंकि कॉर्न हमारे ऊपर उछल भी सकते हैं तेल से। थोड़ा सा आप सावधानी से इसे डालेंगे इसमें। देखिए, लगभग 7 से 8 मिनट का समय हो चुका है। हमारे कॉर्न अच्छे से कुरकुरे से हो गए हैं और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। आप चाहे तो एक दाना निकाल कर थोड़ा ठंडा कर लीजिए, उसे आप मुंह में डालकर देख लीजिए अच्छा सा क्रिस्पी हुआ है या नहीं। आप कॉर्न को फ्राई करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, नहीं तो वो अंदर से कड़क नहीं हो पाएंगे। स्वीट कॉर्न को हम तेल में से निकाल लेते हैं।
देखिए मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, कितने कुरकुरे बने हैं हमारे स्वीट कॉर्न। इसे हम निकालते हैं एक बाउल में। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, नमक स्वाद के हिसाब से, हमने पहले भी नमक डाला है उस हिसाब से ही नमक डालें आप, चाट मसाला, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च जो कि तीखी नहीं होती, इससे हमारे कॉर्न का कलर अच्छा दिखेगा, थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारे एकदम क्रिस्पी स्वीट कॉर्न बनकर तैयार है। आप भी बनाइए, वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।